नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Infinix Hot 11 vs Vivo Y21T का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Hot 11 में 6.65 इंच जबकि Y21T में 6.46 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Hot 11 से कम है। विड्थ की बात करें तो Hot 11 में 3.03 इंच जबकि Y21T में 2.99 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Hot 11 से कम है। बात करें थिकनेस की तो Hot 11 में 0.35 इंच जबकि Y21T में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Hot 11 में 205 ग्राम्स जबकि Y21T में 182 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो Hot 11 में 20:5:9 जबकि Y21T में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Hot 11 में 6.78 इंचेस जबकि Y21T में 6.58 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Hot 11 में 1080x2480 और Y21T में 1080x2408 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Hot 11 में 84.06% जबकि Y21T में 83.76% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Hot 11 में 399 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Y21T में 401 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Hot 11 में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में AI लेंस देखने को मिलता है। और Y21T की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Hot 11 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Y21T में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Hot 11 में माली G52 MC2 जबकि Y21T में Adreno 610 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Hot 11 में MediaTek Helio G88 और Y21T में Qualcomm Snapdragon 680 मिलता है। बात करें RAM की तो Hot 11 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB की RAM मिलती है जबकि Y21T में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB रैम मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Hot 11 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Y21T में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Hot 11 में अप टू 256GB जबकि Y21T में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Hot 11 में 3 कलर्स जबकि Y21T में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Hot 11 में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं,
जिसमें कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 10,499 रुपीस, 4 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 11,499 रुपीस में मिलता है। और बात करें Y21T की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 4 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 16,490 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो इन्फिनिक्स हॉट 11 में 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें वीवो Y21T की तो उसमें 8 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें ओप्पो A12 है, दूसरा शाओमी रेडमी नोट 10 प्रो है, तीसरा शाओमी पोको M2 प्रो है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें शाओमी रेडमी 9 प्राइम है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।